ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 1984 में राजकुमार कोहली निर्देशित एक फिल्म आई थी, राज तिलक। इस फिल्म में एक्टर कमल हासन द्वारा बोला गया एक डायलॉग था, बात यहाँ खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी। इस फिल्म के संवाद को यहाँ लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज हम चर्चा माया नगरी मुंबई की करेंगे। पिछले कुछ महीनों से फिल्म इंडस्ट्री अशांत है। इसका कारण है युवा और ऊर्जावान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की असमय हुई मौत। इस मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी काफी समय से जारी है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार सुशांत सिंह की सुसाइड के बाद सहमे हुए हैं, लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी है जो सुशांत की मौत के बाद लगातार और डंकी की चोट पर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाए जा रही है। यह बॉलीवुड अभिनेत्री रियल लाइफ में अपने बेबाक बयानों से मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेज तरार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की। अभी तक कंगना फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों पर कई तरह के गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही थी। कंगना के इन बेबाक बयानों पर अभी तक देश के राजनीतिक दल लगभग चुप्पी साधे हुए थे। यहाँ तक कंगना अपनी जुबान को लगाम देती तो कुछ और बात थी, लेकिन कंगना ने एक ऐसी करारी चोट दी कि जिससे भाजपा, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में दंगल शुरू हो गया। बता दें कि कंगना रनौत ने जब मुंबई की पीओके से तुलना की तो पूरी शिवसेना ही उनके पीछे पड़ गई, लेकिन कंगना न डरी और न ही अपने बयानों से पीछे हट रही है। वे अभी भी लगातार ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साध रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र भाजपा राज्य इकाई भी कंगना के बयान के बाद दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है, कंगना के इस ट्वीट के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान। पिछले दिनों कंगना ने कहा था कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है। इसी बात पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से रहा नहीं गया और अभिनेत्री के बयान पर तीखी निंदा की। इसके बाद कंगना और राउत के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। अभिनेत्री के मुंबई को लेकर दिए गए बयान के बाद राउत ने कहा कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए, जिस पर कंगना की ओर से फिर एक ट्वीट किया गया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। कंगना रनौत ने आगे कहा कि ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। अभिनेत्री के इस बयान के बाद देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना सांसद राउत ने मुंबई मराठी मानुष के बाप की है बयान देकर दिया कंगना को जवाब। शुक्रवार को दिन भर अभिनेत्री कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सुबह से लेकर शाम तक घमासान चलता रहा। समाचार पत्रों और चैनलों में इन दोनों के बीच बार पलटवार सुर्खियों में छाया हुआ है। राउत ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। संजय राउत ने आगे कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। दरअसल इससे पहले कंगना राउत ने कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उसके बाद शिवसेना नेता अनिल परब ने भी कंगना रनौत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सुशांत मामले की जांच करने के लिए सीबीआई मुंबई आई, कंगना ने जांच एजेंसी को अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी, वो सिर्फ ट्वीट कर रही है। दूसरी ओर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना भी शिवसेना और अभिनेत्री कंगना के बीच जुबानी जंग में कूद गई है। एमएनएस ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना करने पर अवैध के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाना जाना चाहिए। कंगना ने अपने आप को मराठा बताकर शिवसेना को ललकारा, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। शिवसेना और मनसे के हमले के बाद कंगना ने खुद को मराठा बताते हुए सांसद संजय राउत को ललकारा। अभिनेत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसमें मराठी गौरव को निश्चित किया गया है, और मैं कहती हूँ हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से करने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना अगर मुंबई की तुलना हमारे दुश्मन द्वारा अधिकृत पीओके से करती है तो उन्हें मुंबई लौटने का कोई हक नहीं है। दूसरी ओर कंगना के मुंबई पुलिस को दिए गए बयान के बाद अभिनेत्री रेणुका सहाणे और उर्मिला मातुंडकर ने कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसे ही बॉलीवुड के कई कलाकारों ने इस मामले में कंगना का साथ नहीं दिया। दूसरी ओर रेसलर बबीता फोगाट ने एक्ट्रेस कंगना के समर्थन में कहा कि शेरनी मुंबई आ रही है, किसी की हिम्मत हो तो रोक लो। अभिनेत्री को लेकर महाराष्ट्र के भाजपा नेता दो गुटों में बट गए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुंबई पुलिस और पीओके की तुलना करने पर महाराष्ट्र भाजपा के नेता दो गुटों में दिखाई दिए। एक नेता अभिनेत्री के समर्थन में तो दूसरा विरोध में उतर आए। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि हम मुंबई पर कंगना रनौत के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। शेलार ने कहा कि कंगना को मुंबई, महाराष्ट्र और यहाँ के लोगों को आजमाना नहीं चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम एक्ट्रेस रनौत के समर्थन में आ गए। राम कदम ने कहा कि शिवसेना के नेता अभिनेत्री पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा नेता कदम ने कहा कि कंगना रनौत वास्तव में झांसी की रानी है,
जो शिवसेना की धमकियों से नहीं डरती है। उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने रनौत पर राज्य सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। सावंत ने कहा कि मुंबई की तुलना पीओके से करके अभिनेत्री ने 13 करोड़ महाराष्ट्र वासियों का अपमान किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।